हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आज हम आपके लिए लाए हैं सेत्तू पुदीना छाछ, जो कि भुने हुए चने से बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम चना ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा, क्योंकि थोड़ा सा जीरा तो पीसा नहीं जा सकता, तो इसीलिए हम इसमें हम चने के साथ ही जीरा को भी पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम एक चम्मच, मान लीजिए हम एक से कम ही चम्मच जीरा लिए, भुना हुआ जीरा, और चने के साथ इसे हम भी पीस लेंगे। मिक्सर जार में इसे हम ले लेंगे और पीस लेंगे। आप छिलका हटा के भी पीस सकते हैं। हम ऐसे पीसने के बाद इसे हम छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए, मेरा सित्तू एकदम पीस के हमें अच्छे से पीस लिया है मैंने, जो खड़ा रहेगा तो उसे हम अच्छे से निकाल लेंगे छान के। इस तरह हम छन्नी से इसे छन्नी में डाल के इसे छान लेंगे, तो इसका एक पाउडर निकल जाएगा और जो खड़ा रहेगा उसे हम फिर से डाल के मिक्सर जार में पीस लेंगे। इसे अच्छे से हम छन्नी इसमें छान लेंगे तो पीने में आराम रहेगा। तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल जा रहा है, और जो खड़ा चना रहेगा वो बाहर मतलब छन्नी में आ जाएगा, और जो पीसा हुआ पाउडर एकदम इस छन्नी से बाहर निकल जाएगा प्लेट में। भुना हुआ जीरा भी इसमें साथ में पीसा जाएगा, तो इसीलिए हम दोनों साथ में लेके पीस लिए थे। तो देख रहे हैं कितना आसानी से ये निकल जा रहा है। तो इसे हम मिक्सर जार में इसे फेंकेंगे नहीं, फिर से पीस लेंगे। इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम ले लेते हैं पुदीना। तो ये मैंने पुदीना ले लिया है, तो इसे हम अच्छे से कट करके धो के इसको भी हम पीस लेंगे। इसका हम चटनी, पुदीना और मिर्ची का चटनी बना लेंगे। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं। तो ये मैंने पुदीना ले लिया है, इसे भी हम उसी मिक्सर जार में डाल देंगे। मिर्च को भी हम कट कर लेंगे दो भागों में। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, जो मेरा अच्छे से पीस आ जाए। अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। अब एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें ले लेंगे अमूल का दही, जो कि एकदम फ्रेश दही देता है, खट्टी नहीं रहती है। और दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे। बहुत ही आराम से इसे हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसमें हम दही में भी पानी ऐड कर लेंगे। इसे हम फिर से फेंट लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा छाछ आ रहा है। तो इस तरह का मुझे छाछ चाहिए। आप इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करिएगा। तो ये देखिए, ये तैयार है दही मेरा। आप ले लेंगे सेत्तू। यहाँ पे हम 3 चम्मच सेत्तू डाल देंगे। सेत्तू छाछ पुदीना बना रहे हैं, तो 3 चम्मच यहाँ पे सेत्तू ले लेंगे। और यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच पुदीनी की चटनी, जो मैंने पुदीना और मिर्च की चटनी बनाई थी। अब इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद नमक ऐड करेंगे, देखिए एकदम थोड़ी सी, थोड़ा सा सेंधा नमक। और यहाँ पे काला नमक तो बहुत ही ज़रूरी है, तो काला नमक ज़रूर ऐड करिएगा आप। ये सब डालने के बाद फिर से एक बार हम चला लेंगे। तो ये मेरा बन के एकदम तैयार है सेत्तू पुदीना छाछ। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। तो ये देखिए पुदीना, सेत्तू पुदीना छाछ मेरा बनके तैयार है। इसे अब हम सर्व करेंगे 1 ग्लास में। तो 1 ग्लास ले लेंगे। 1 ग्लास में हम आइस क्यूब डाल देंगे। आइस क्यूब आप जितना ठंडा पसंद करें आप उतना आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ठंडा मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए हम डालते हैं। और गर्मियों में यही सब का सेवन करिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ठंडा रहेगा। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बूंदी, ये आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। ये तो मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा सेत्तू पुदीना छाछ सर्व करते हैं। तो फाइनली ये सेत्तू पुदीना बनके छाछ तैयार है।
तो कमेंट करके बताइएगा कैसा है। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करके बताइएगा कि ये ठंडा ठंडा रेसिपी मेरा कैसा बना है।